उत्तरकाशी की निर्माणाधीन टनल में पिछले 9 दिन से 41 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिशें हो रही हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, सेना से लेकर विदेशी एक्सपर्ट्स का सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है, लेकिन उम्मीद है जल्द ही आखिरकार बड़ी सफलता मिलेगी। हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा और बरखा शर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दोनों पल पल का अपडेट दे रहे हैं। उनका सब्र जो है वो अब जवाब यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें दिन में आ पहुंचा है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो बहुत पहले खत्म हो जाना था, वो जिंदगियां जो अंदर फंसी हुई हैं वो बाहर आ जानी थी। अभी देखिए, अगर हम आज की बात करते हैं, संडे का पूरा दिन, रविवार का पूरा दिन देखिए, ऑगर मशीन जो है उसने काम नहीं किया। उसके बाद देर रात को ये बताया गया है कि मशीन ने काम करना शुरू किया। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और उसके अलावा किस तरह से काम तेजी से चलाया जा रहा है उस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। अभिषेक से समझते हैं यहाँ पर कि जब ऑगर मशीन शुरू हुई है, अभिषेक रात को कितने बजे शुरू हो गई थी, कितना वक्त बीत चुका है, कितना काम बढ़ा है आगे? देखो बरखा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑगर मशीन का इंस्टॉलेशन जो हुआ है वो आज रात 2:30 बजे हुआ है। उसके बाद वो लगातार 1-1 घंटा चलाकर गैप के साथ बंद की जा रही है। वजह इसकी ये बताई जा रही है क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन है उसमें 1700 हॉर्स पावर की क्षमता है, उसके वाइब्रेशन की वजह से उसे 1-1 घंटे का ब्रेक देके चलाया जा रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि अंदर जो फूड पाइपलाइन है 6 इंचज का, वो वहाँ पहुँचने वाला है और कुछ ही देर में पहुँच भी जाएगा। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अब लोगों को ऊपर अब जो पाइपलाइन के मार्फत बात कराई जा रही है, उनके घरों से बात कराई जा रही है, ये सबसे अहम इसमें अपडेट है। और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इंटरनेशनल अंडरग्राउंड टनल के जो मेंबर हैं मिस्टर आर्नोल्ड, उनकी टीम यहाँ पहुँच गई है। देखिए ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा, वो सर्वे करने जा रहे हैं। वर्टिकल ड्रिल ऊपर होगा और वहाँ से सर्वे होगा, उसका सर्वे करने। देखिए मिस्टर आर्नोल्ड जो ऑरेंज कलर में देख पा रहे होंगे, ग्रीन के पीछे बीच में जो ऑरेंज में है वो मिस्टर आर्नोल्ड हैं, वो अंडरग्राउंड टनल एसोसिएशन के मेंबर हैं। वो खुद यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार वर्टिकल से लेके अंडरग्राउंड से लेके तमाम रास्तों पर काम किया जा रहा है। बरखा, बिल्कुल अभिषेक, ये तस्वीरें आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। नैना, ये वो दूसरा एक और विकल्प है जहाँ ऊपर से ड्रिलिंग की जानी है, और जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई है अभिषेक ने, इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स, जो लगातार संपर्क में बने हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हमारी एजेंसीज जो हैं वो संपर्क की उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये लोग बाहर होंगे। कहा जा रहा है कि रेस्क्यू में अगर जरूरत पड़ी तो नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट्स की टीम को भी बुलाया जा सकता है। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 19 नवंबर को खुद उत्तरकाशी पहुंची। उन्होंने हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। गडकरी ने कहा कि इस ऑपरेशन की पहली प्राथमिकता पीड़ितों को जीवित रखना है। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 से 2.5 दिन के अंदर सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 ही विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है, टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है, और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से, हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। कहा जा रहा है कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रोबोट का भी सहारा लिया जाएगा। इवैक्यूएशन प्लान, जिसकी बात लगातार हो रही है, चर्चा हो रही है पूरे देश में, इसलिए की जा रही है क्योंकि सबकी निगाहें इसी खबर पर, इसी सुर्खियों पर टिकी हुई है लगातार। हमने अब तक आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से समझाए हैं, अब बात हम चौथे इवैक्यूएशन पॉइंट प्लान की करेंगे। वो प्लान है जो देखिए अब तक जिसका जिक्र नहीं किया गया था, एक बहुत नई तकनीक, एक बहुत नया साधन है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये अधिकारियों की ओर से बताया गया कि जो ऊपर टनल है और जहां मलबा गिरा हुआ है उसके बीच में रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कौन करेगा, क्या पूरी प्लानिंग है, अभिषेक बेहतर हमें बताएंगे। अभिषेक,
ये मुझे लगता है कि जब दर्शक इस खबर को देख रहे हैं तो जब उन्होंने ये खबर सुनी है तो वो पहली बार इसका एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये कहा जा रहा है कि वो जो बीच का हिस्सा है टनल से लेकर उस मलबे का, वो थोड़ा कमजोर है और इसीलिए ये सर्वे होगा। और कैसे होगा अभिषेक? देखिए, ये रोबोटिक साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे होगा और कंपनियों को बुला लिया गया है, कई कंपनियों से बात भी हो गई है और रोबोट के जरिए जो स्ट्रेंथ है उसकी मजबूत करने के लिए जो हिस्सा आखिर में चिपक नहीं पा रहा था क्योंकि स्पेस है उसके बीच में मलबे और जो इनके ऊपर जो छत का जो निर्माण हो रहा है, आसान भाषा में समझिए जो छत का निर्माण हो रहा है वो चिपक नहीं पा रहे हैं, जिसके स्पेस को भरने के लिए रोबोट को बुलाया जा रहा है। जो सबसे छोटी हाइट का रोबोट होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्फत ऑपरेट किया जाएगा और उस हिस्से को मजबूत किया जाएगा जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। ये अपने आप में बहुत अलग तरीके का नायाब, कहेंगे हम इसे नायाब तरीके का एक चुनौती है, पाने के लिए एक नया तरीका है, दरअसल नायाब तरीका। यहाँ पर अभिषेक साफ तौर पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्योंकि देखिए अभी स्थिति ऐसी है कि हर तरह का हर तरीका जो है वो अख्तियार कर जा रहा है यहाँ पर तमाम एजेंसियों की ओर से। फिलहाल पूरे देश की नजर इस बात पर है कि टनल में फंसे 41 मजदूर सही सलामत कब बाहर आते हैं। सब्र जो है वो अब जवाब यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें दिन में आ पहुंचा है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो बहुत पहले खत्म हो जाना था, वो जिंदगियां जो अंदर फंसी हुई हैं वो बाहर आ जानी थी। अभी देखिए अगर हम आज की बात करते हैं, संडे का पूरा दिन, रविवार का पूरा दिन देखिए ऑगर मशीन जो है उसने काम नहीं किया। उसके बाद देर रात को ये बताया गया है कि मशीन ने काम करना शुरू किया, तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और उसके अलावा किस तरह से काम तेजी से चलाया जा रहा है उस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। अभिषेक से समझते हैं यहाँ पर कि जब ऑगर मशीन शुरू हुई है, अभिषेक रात को कितने बजे शुरू हो गई थी, कितना वक्त बीत चुका है, कितना काम बढ़ा है आगे? देखो बरखा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑगर मशीन का इंस्टॉलेशन जो हुआ है वो आज रात 2:30 बजे हुआ है। उसके बाद वो लगातार 1-1 घंटा चलाकर गैप के साथ बंद की जा रही है। वजह इसकी ये बताई जा रही है क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन है उसमें 1700 हॉर्स पावर की क्षमता है, उसके वाइब्रेशन की वजह से उसे 1-1 घंटे का ब्रेक देके चलाया जा रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि अंदर जो फूड पाइपलाइन है 6 इंचज का वो वहाँ पहुँचने वाला है और कुछ ही देर में पहुँच भी जाएगा। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अब लोगों को ऊपर अब जो पाइपलाइन के मार्फत बात कराई जा रही है, उनके घरों से बात कराई जा रही है, ये सबसे अहम इसमें अपडेट है। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा इंटरनेशनल अंडरग्राउंड टनल के जो मेंबर हैं मिस्टर आर्नोल्ड, उनकी टीम यहाँ पहुँच गई है। देखिए ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा, वो सर्वे करने जा रहे हैं, वर्टिकल ड्रिल ऊपर होगा और वहाँ से सर्वे होगा, उसका सर्वे करने। देखिए मिस्टर आर्नोल्ड जो ऑरेंज कलर में देख पा रहे होंगे, ग्रीन के पीछे बीच में जो ऑरेंज में है वो मिस्टर आर्नोल्ड हैं, वो अंडरग्राउंड टनल एसोसिएशन के मेंबर हैं। वो खुद यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार वर्टिकल से लेके अंडरग्राउंड से लेके तमाम रास्तों पर काम किया जा रहा है। बरखा, बिल्कुल अभिषेक, ये तस्वीरें आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, दिखा देते हैं अपने दर्शकों को नैना। ये वो दूसरा एक और विकल्प है जहाँ ऊपर से ड्रिलिंग की जानी है और जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई है अभिषेक ने, इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स, जो लगातार संपर्क में बने हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हमारी एजेंसीज जो हैं वो संपर्क की उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये लोग बाहर होंगे।